प्यारी सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धनलंका जी। आज का टॉपिक है मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान है। प्यारी सत्संगत जी, धरा प्यार से, गगन प्यार से कुल संसार है। प्यार चाहिए हर किसी को, प्यार जीवन का सार है। प्यारी सच्ची दौलत है ये, प्यार बड़ी ही बरकत है। आदमी की इस दुनिया में प्यार से होती कीमत है। प्यार है पूजा, प्यार इबादत, प्यार खुदा की नेमत है। यही प्यार तो गुरु पीर की दुनिया को नसीहत है। प्यार बिना तो आदमी एक बेजान सा पुतला है। मिल जाए जो प्यार गुरु का, हर रंग उजला उजला है। गुरु ज्ञान से वैर मिटेगा, दिलों में प्यार ही आएगा। कहे हरदेव, इसी प्यार से जग सारा सुख पाएगा। प्यारी सत्संग जी, मानवता से प्रेम, इंसानियत, यही सदगुरु की शिक्षा है कि हम सबने मानवता से प्रेम करना है। यह पहला सबक है किताब हिदा का कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजे, कौन भले को मंदे। सब में एक ईश्वर बस रहा है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सोहरि का होई। कि इंसान एक है, ईश्वर एक है, ये इंसान एक है। सभी का खून लाल है, सभी की शक्लो सूरत मिलती जुलती है, सभी एक धरती के रहवासी हैं, एक विश्व में रहने वाले, एक ही जमीन है। हम सब ग्लोबल विलेज के रहने वाले हैं, वैश्विक गांव, ये दुनिया, सारा विश्व हमारा गांव है, शहर है। एक ही अंबर है, एक ही सूरज है, चांद है, सितारे हैं, सारा संसार, सारी कायनात एक है, एक खुदा की खलकत है। सब में यही एक बस रहा है। और जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो हम इस एक को जान जाते हैं कि यही एक निराकार है, यही परमपिता परमात्मा है जिसने सबको बनाया है। और फिर जब सब में इस निराकार को देखते हैं तो सभी से प्रेम होता है, और जब सबसे प्रेम करते हैं तो खुदा खुश होता है। खुदा कहता है कि अगर मुझे प्यार करते हो तो सबसे पहले मेरे बंदों से प्यार करो, अगर मेरे बंदों से प्यार करोगे तो मैं खुश हूं। इस मानवता से प्यार करो, क्योंकि सच्चा जो धर्म है ये मानवता है, इंसानियत है। कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पहले इंसान बन जाओ। और इंसान तो वही बनेगा जो सतगुरु के पास आएगा, क्योंकि सतगुरु ही इंसान को असली इंसान बनाते हैं, सही मायने में मानव बनाते हैं। सतगुरु के चरणों से पावन, तीर्थ और स्नान नहीं, बिना गुरु के पशु वह बंदा बन सकता इंसान नहीं। गुरु चरणों की धूली लेकर मलमल के स्नान करो, तन मन धन संतों पे अपना खुशी खुशी कुर्बान करो। संत की सेवा वह कर सकता जिससे आप कराए यह, अवतार हरि गुण वो ही गाए जिससे आप गवाए यह। ये स्वयं अपनी महिमा का बखान करवाता है, जिस घट में ये बस जाता है तो उस घट से ये अपने ही गुणगान गवाता है। इसकी कृपा के बिना कोई इसका नाम ले ही नहीं सकता है। तो इसने हमें इंसान बनाकर भेजा और इंसानियत से प्रेम करने के लिए कहा। सदगुरु जी जब दुनिया में आते हैं तो हमें मानवता का पाठ पढ़ाते हैं कि ना हिंदू, ना सिख ईसाई, ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। कि हम केवल इंसान हैं, हमें इंसान बना के भेजा है। और ये जो इंसान है, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, क्योंकि इंसान ही हंसता है, मुस्कुराता है। परमात्मा ने गॉड गिफ्ट हमें दिया,
मुस्कान, हंसी, खुशी, तो हमने हर इंसान की खुशियां बांटना है, सभी को हंसाना है, सभी को इस परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ना है, क्योंकि खुशियों का खजाना है निरंकार। तो इस निरंकार के साथ जुड़ने के बाद ही जीवन में खुशी आती है। आज संतनिरंकारी मिशन की जब से शुरुआत हुई, बाबा बूटा सिंह जी महाराज जी, सहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज जी, बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज जी, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी, सदगुरु माता सविंदर जी और आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी, ये प्रेम को बांट रही हैं। प्रेम के स्रोत इस निराकार प्रभु के साथ जोड़ रही हैं। सबको ब्रह्म का ज्ञान दिया जा रहा है। तो जब सदगुरु दुनिया में आते हैं तो चैन से नहीं बैठते, दिन रात मानवता के लिए काम करते हैं। जो मानवता का धर्म है इसको स्थापित करने के लिए काम करते हैं कि सारी धरती में मानवता आ जाए, सारी दुनिया के लोग सुखी हो जाएं, मानव को मानव हो प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने रन फॉर वननेस की दौड़ भी करवाई, एकत्र के लिए भागो, पीस नॉट पीसेस लेट्स वर्क फॉर इट, कि अमन शांति के लिए काम करो। यदि अमन और शांति नए युग की मांग है तो इसका एकमात्र साधन है आध्यात्मिक जागृति। तो ये आध्यात्मिक जागृति करनी पड़ेगी, सारे विश्व को आवाज लगानी पड़ेगी, सत्य का पैगाम, सत्य का संदेश देना पड़ेगा, सबको इस निराकार प्रभु के साथ जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया आज जाति पाति में बटी हुई है, कोई हिंदू बना है, कोई मुसलमान बना है, कोई सिख और कोई ईसाई बना है। तो जात पात के कारण परमात्मा को इंसान ने बांट लिया है। तो सदगुरु जी समझाते हैं कि परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है, यही निरंकार है। तो आओ इस निराकार को जान लो। जब इस निराकार को जान लोगे कि एक ही परमपिता परमात्मा है, एक ही वाहिद है, एक ही अल्लाह है, एक ही खुदा है, हम सबका बाप एक है, यही निरंकार है, तो फिर सारे वैर विरोध ये नफरत दिल से मिट जाएंगे और फिर हम सब एक हो जाएंगे और इंसानियत की डगर पर फिर हम सभी चलने लगेंगे। तो इस एक को जानने के बाद, इसको मानने के बाद हम सब एक हो जाते हैं। और आज यही संतनिरंकारी मिशन सारे संसार में आवाज लगा रहा है कि आओ रब के दर्शन कर लो, इस परमात्मा को जान लो, यही पैगाम है हमारे मुर्शिद का। आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी पूरे विश्व को मानवता के नाम संदेश दे रही हैं कि आओ इस निराकार को जान लो, एक हो जाओ, एक बनो, नेक बनो। तो यही जो आवाज है, संत महात्मा भी आगे से आगे देते हुए चले जाते हैं, इंसान को इंसान से जोड़ते हुए चले जाते हैं, दिल से दिल को मिलाते हुए चले जाते हैं और सच्चा धर्म जो मानवता है इसकी स्थापना करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हर संत के कंधे पे है, क्योंकि जब हमें ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है, संत बनाया जाता है, तो संत की डिग्री सबसे बड़ी होती है। गुरुसिख से बड़ी और कोई पोस्ट नहीं है, कोई पदवी नहीं है, सेवक की पोस्ट सबसे बड़ी हुआ करती है। तो सदगुरु ने हमें संत बनाया, गुरुसिख बनाया, सेवक बना दिया कि मानवता की सेवा करना है, मानवता के धर्म की स्थापना करना है। क्योंकि आज धरती में मानवता का पतन हो रहा है, इंसान अपने आप को इंसान से अलग कर रहा है, जाति पाति छुआछूत मजहब व मिल्लत की दीवार खड़ी कर रहा है। तो हमने इस दीवार को मिटाना है और एकता के सूत्र में सभी को पिरोना है, एकत्व के सूत्र में, मानवता भाईचारे के सूत्र में, प्रेम के सूत्र में। तो यही कार्य हर युग में संत महात्माओं ने किया। जितने भी संत महात्मा वली पीर पैगंबर संसार में आए तो सभी ने मानवता रूपी धर्म की स्थापना की, इंसान और इंसान के बीच की जो दूरियां हैं वो मिटाई, सबको इस प्रेम की डोर से बांधा, परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ा। और आज यही बात हमें समझाई जा रही है कि प्यार चाहिए हर किसी को, प्यार जीवन का सार है, प्यारी सच्ची दौलत है, ये प्यार बड़ी ही बरकत है। आदमी की इस दुनिया में
प्यार से होती कीमत है। प्यारे पूजा, प्यारी इबादत, प्यार खुदा की नेमत है। यही प्यार तो गुरु पीर की दुनिया को नसीहत है। प्यार बिना तो आदमी एक बेजान सा पुतला है। तो ये प्यार, प्यार की आवश्यकता है। और जब हर इंसान एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देगा तो ये मानवता का धर्म स्थापित हो जाएगा, दुनिया में अमन शांति आ जाएगी, राम राज्य आ जाएगा। तो जो सदगुरु जी आज यही चाह रहे हैं कि हम सब आगे से आगे बढ़कर इस सत्य की आवाज को बुलंद करें और संत निरंकारी मिशन का जो लक्ष्य है मानवता, विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, इस लक्ष्य को हासिल करें। मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। प्यारी प्यारी सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन रंग का जी।